गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स, दैट्स आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। आई होप यू ऑल मस्ट अंडरस्टूड दीज राइट्स एंड टुडे क्लास वी विल डू द नेक्स्ट राइट, फोर्थ राइट, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमें फोर टाइप की फ्रीडम मिली हुई है। फर्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। प्रोफेस होता है डिक्लेयर करना, प्रैक्टिस होता है मानना, और प्रोपोगेट होता है बेटा प्रचार करना। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ हमें बताती है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट फॉर अस। तो हमें, हम अपनी विश से, अपनी विल से किसी भी रिलीजन को मान भी सकते हैं, उसको फॉलो भी कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। सेकंड राइट क्या है? फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। सभी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने और उसके अफेयर्स को, उसके इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की फुल फ्रीडम है बेटा। थर्ड राइट क्या है इसमें? स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट किसी भी तरह का जो है टैक्स कलेक्ट नहीं करती। सभी को जो फ्रीडम है वो अपने रिलीजन को, अपनी वर्शिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपने रिलीजन को मानने के लिए उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस सो मैनी टैक्स इम्पोज्ड बाय द मुस्लिम्स ऑन द हिंदूज हु वर्शिप इन द टेंपल्स। लेकिन आज़ादी के बाद इसको रिमूव कर दिया गया टैक्सेस को। हमने लास्ट जो क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि जैसे मुगल्स थे उन्होंने जजिया कर लगाया हुआ था, इसी तरह जो मराठे थे वो भी सरदेशमुखी और ऐसे रिलीजियस जो टैक्स लेते थे। लेकिन आज़ादी के बाद बिल्कुल भी रिलीजन बेस्ड कोई टैक्स नहीं है, किसी के ऊपर कोई टैक्स लगाया नहीं जाता। और लास्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच इज़ हुली और पार्टली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो स्टेट फंड्स के ऊपर नहीं चल रहे, यानी कि राज्य उनके ऊपर कोई खर्च नहीं कर रहा, तो फुली जो है फ्री है, उनके ऊपर कोई भी राज्य जो है कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, उसको कोई आदेश नहीं दे सकता। वो अपने लेवल पर अपनी जो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उनको चला सकते हैं। स्टेट उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल क्या होता है बेटा? सांस्कृतिक। और एजुकेशनल क्या होता है? शैक्षिक। यानी कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा जो अपनी उनकी लैंग्वेज में है उसका फुल राइट है, फ्रीडम है उनको। इसमें भी टू यहाँ पर जो फ्रीडम्स दी गई हैं उनको मेंशन किया गया है। फर्स्ट है, इट गारंटीज टू प्रिजर्व, मेंटेन एंड प्रमोट्स वंस कल्चर एंड लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या गारंटी देता है कि कोई भी कल्चर है किसी भी व्यक्ति की, जो भी कल्चर है, जो भी लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, यानी कि उसको संभाल सकता है, उसकी केयर कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है और उसको मेंटेन भी कर सकता है। यानी कि अपने लेवल पर कोई भी कम्युनिटी है, लैंग्वेज बेस्ड है या कास्ट बेस्ड है, तो वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकती है, उसको कंजर्व कर सकती है, उसको प्रमोट कर सकती है। तो फ्रीडम है इसकी। नेक्स्ट है द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? जो काउंटिंग में कम है, जो कास्ट हमारी कंट्री में है, जैसे हिंदू जो कास्ट है उसके लोग जो है 80% है, इसी तरह जो मुस्लिम्स हैं नियर अबाउट 60% या 70% है, और जो सिख है वो 0.8% है। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन वाइज जो है परसेंटेज है। तो जो सबसे कम
परसेंटेज में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, विल बी गिवन असिस्टेंस बाय द स्टेट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर्स। इवन कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या कम है, वो भी अपने तरीके से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर्स कर सकते हैं, उनको फर्दर जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये पूरी फुल फ्रीडम है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है बेटा। लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है बेटा 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। रेमेडीज़ क्या होता है बेटा, उपचार करना, यानी कि अगर हमें जो फंडामेंटल राइट्स है, कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉयट करता है, स्टेट करता है या कोई सिटीज़न करता है, तब हम 6th राइट को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि संविधान में जो 3rd ऑर्गन है जुडिशरी, उसकी हम हेल्प ले सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, जस्टिस के लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और इसका उपाय किया गया है फंडामेंटल राइट जो 6 है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स बट हैज़ आल्सो प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज़ अगेंस्ट दियर वायलेशन। फंडामेंटल राइट्स ही कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए, बल्कि साथ में हमें और क्या दिया है बेटा, इट प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज़ अगेंस्ट दियर वायलेशन। अगर हमारे अधिकारों को कोई वायलेट करता है, हमसे छीनता है, तो उसका भी इलाज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे बीमार हो जाते हैं ना, उसका इलाज डॉक्टर्स करते हैं, या बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं तो उसकी रेमेडीज़ कौन करता है, टीचर करता है। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेमर्स थे, उन्होंने राइट्स को सेव करने के लिए क्या किया, एक ऐसा राइट बना दिया जो सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बेटा, और वो है 6th राइट हमारा। इफ़ अ सिटीजन फील्स दैट वन ऑफ आर हिज फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। एग्जीक्यूटिव क्या होता है बेटा, कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शी ही मे रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट। वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में रिट डाल सकता है, रेस्टोरेशन ऑफ हर हिज राइट्स। रेस्टोरेशंस क्या होते हैं, अपनी क्षतिपूर्ति, जो भी उसके राइट्स वायलेट किए गए हैं, उसकी उसको रीस्टोर करने के लिए वो कहाँ पर जा सकता है, किस उसमें जाकर अपनी डिमांड कर सकता है, कोर्ट के अंदर। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, तो सिटीजन्स जो हैं वहाँ पर अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। फिर कोर्ट क्या इशू करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो कोर्ट हैज़ द राइट टू शो द रिट्स। दीज रिट्स आर, देर आर 5 रिट्स, वी रीड इट प्रॉपरली, इट इज़ गिवन इन, डू यू नो, वी रीड इट आफ्टर दैट। दीज आर हैबियास कॉर्पस, मैंडामस, प्रोबिशंस, की वरंटो और सर्शियोरेरी। द फंडामेंटल राइट्स बेटा, ये सब जो है हम लास्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज रिट। द फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट है बेटा, द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट और सम इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या बता दिया गया है, इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो लोग हैं दूसरे लोगों को वायलेट नहीं कर सकते, कोई भी इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो कोई भी सिटीजन्स के राइट्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है इन लोगों के हाथों से। देयरफॉर द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिकेबल, ठीक है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, जस्टिकेबल है, यानी कि हम उनको पा सकते हैं, एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा सुरक्षित रखे
जाते हैं। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटेड। अगर मान लो इन केस फंडामेंटल राइट जो है हमारे वायोलेटेड हो जाते हैं, फिर क्या होगा? वन कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक जस्टिस। सीक जस्टिस मीन्स न्याय पा सकता है। फंडामेंटल राइट जब वायोलेटेड होते हैं तो वी कैन मूव टू द कोर्ट, ठीक है। बट आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस टू चेक द अब्यूज़ ऑफ दीज राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न किए हैं जब वॉयलेशन हो जाती है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। बिसाइड द स्टेट इज़ अलाउड टू इम्पोज सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरालिटी एक्सेट्रा। अगर स्टेट वॉयलेट करती है या स्टेट लोगों को राइट्स नहीं देती तो उनके पास कोई जो है प्रॉपर रीज़न होना चाहिए और वो रीज़न जो है वो कोर्ट में बता सकते हैं कि हमने जो है वायलेट किए हैं, क्यों किए हैं, क्या सिचुएशन रही है। तो स्टेट के पास भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जब वो ये फंडामेंटल राइट्स को वापस ले सकती है सिटीजन्स के पास। जैसे मान लो कोई रिबेल हो जाए, कोई रिवोल्ट हो जाए, या कोई लोग स्ट्राइक कर लेते हैं, तो तब उस सिचुएशन में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते। तो स्टेट जो है उनको कुछ राइट्स भी हैं लेकिन वो एक सूटेबल रीज़न, उनके पीछे एक जस्टिकेबल रीज़न होना चाहिए, तब जाकर वो इनको यूज़ कर सकती है। तो कोर्ट जो है वो कुछ रिट्स इशू करती है जब कोई सिटीज़न जो है अपने राइट्स की डिमांड करता है कोर्ट के अंदर, तो उसके बिहा पर कोर्ट जो है कुछ ऑर्डर, रिट क्या होती है बेटा, रिट होती है ऑर्डर्स इशू करता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो पुलिस होती है उनके ऊपर। तो अब ये रिट्स जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। वैसे तो डू यू नो पुट नहीं किए जाते लेकिन इस बार इनके ऊपर जो है आ गया था, रीड्स के ऊपर क्वेश्चंस आ गया था कि फाइव रीड्स के नेम बताओ। तो हमें थोड़े हेडिंग लर्न करने पड़ेंगे बेटा। फाइव रीड्स हैं। फर्स्ट है बेटा, द पावर ऑफ इशूइंग रीड्स इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर द एंजॉयमेंट्स ऑफ राइट बाय द पीपल एंड टू रिस्टोर देयर राइट्स इन केस ऑफ एनी वायलेशन। द फाइव टाइप्स ऑफ रीड्स आर, ठीक है। कब ये जो है रिट्स इशू होते हैं? जब किसी के जो राइट्स हैं वो वायलेटेड होते हैं बेटा। तो फर्स्ट रिट क्या है बेटा? हेबियास कॉर्पस, अंडरलाइन कर लें इसको। फर्स्ट जो है हेबियास कॉर्पस। हेबियास कॉर्पस क्या आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियास कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, नोट कर लें इसको, प्रत्यक्षीकरण। इट मीन्स अन लॉफुली डिटेन पर्सन्स मे बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट टू फाइंड आउट वेदर द डिटेंशन वॉज लीगल और नॉट। इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल राइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यानी क्या होती है? स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को जब लगता है अनलॉफुली, क्या होता है? इलीगली, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में? इलीगली मीन्स कानूनी तौर पर नहीं भी उसके साथ ज़बरदस्ती की है, अनलॉफुली इलीगली जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया। डिटेन क्या होता है बेटा? अरेस्ट करना, जिसको बंदी बना लिया जाता है। ऐसी पुलिस बंदी बना लेती है ना कभी भी शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति रिट डाल सकता है, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि उसके साथ जो है इनजस्टिस हुई है। तो वो पर्सन क्या करता है? हेबियास कॉर्पस जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर्सन की जो है बात सुनकर ये एक रिट इशू करती है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको अरेस्ट किया है।
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है, किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट राइट है मेंडामस, ये है ऑर्डर यानी परमादेश, ये भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यूज़ करती है। इट इज़ इशूड व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट हैज फेल टू परफॉर्म, इम्पॉर्टेंट है, जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट है यानी पुलिस वगैरह है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते। इन सच ए केस द कोर्ट ऑर्डर द कंसर्न्ड ऑफिशियल टू परफॉर्म द ड्यूटी नॉट परफॉर्म्ड अर्लियर, तो कोर्ट उससे जवाब मांगती है, ठीक है, कि उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं किया गया। तो ये अपने जो ऑफिशियल्स हैं, अपने अधिकारी हैं, उनके ऊपर इसको इम्पोज करती है बेटा। नेक्स्ट है प्रोबिशन, यस प्रोबिशन, इसको भी प्रोबिशन होता है, मना करना, मीन्स टू प्रोबिट और फॉरबिट। दिस रिट इज नॉर्मली इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, ये रिट किसके लिए इशू की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के ऊपर, और हाई कोर्ट नीचे वाली जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनके लिए, जब केस प्रॉपर जो है पर्टिकुलर टाइम पर केस को सॉल्व नहीं करते। कई बार देखते हैं ना, जो लोग जाते हैं कोर्ट में और उनके केसेस काफ़ी टाइम तक वहीं पड़े रहते हैं, उनको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। वो डायलॉग आया था सनी देओल वाला, तारीख पे तारीख। तो ऐसे ही जब कोर्ट किसी भी इशू को सॉल्व नहीं कर पाती तो जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करती है और पूछती है कि ऐसा जो जुरिसडिक्शन है उसको क्यों नहीं इसको क्लियर किया गया। न्याय जुरिसडिक्शन क्या होता है, जो उसके क्षेत्राधिकार में केसेस हैं, इश्यूज हैं, उनको क्यों नहीं सॉल्व किया गया भाई। नेक्स्ट फोर्थ है की वारंटो, क्या रीड करेंगे इसको बेटा? की वारंटो, इट इज इशूड टू रेस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच शी ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। इसमें रेस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम एक्टिंग, जो पब्लिक ऑफिस टू विच शी और ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, यानी कि जिस एरिया का केस नहीं है और मान लो दूसरे एरिया में जाके वो घटना घट जाती है, इवेंट हो जाता है, तो उसको दोबारा से जिस एरिया से वो बिलोंग करता है पर्सन, वहाँ पर वो केस भेज दिया जाता है बेटा। नेक्स्ट है सर्शियोरेरी, इसको क्या बोलेंगे? सर्शियोरेरी मीन्स टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ इफ़ अ सुपीरियर कोर्ट वांट्स सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू एनेबल इटसेल्फ टू डील विद द केसेस मोर इफेक्टिवली, दिस रेट मे बी इशूड। ये भी हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट के पास ये रिट भेजते हैं, ऑर्डर भेजते हैं, और इन्फॉर्मेशन अगर उनको चाहिए या रिकॉर्ड कुछ चाहिए या किसी पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करना होता है तो तब ये रिट इशू की जाती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा कि स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को छीन भी सकती है एक डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, जब स्टेट के अंदर कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन आ जाती है जिसमें सभी नागरिकों के अधिकारों को थोड़ी देर के लिए डिले किया जाता है, उनको दिया नहीं जाता, तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। Having studied the six fundamental rights, we should remember one every important point about all of them, that they are not absolute. Fundamental right जो हैं ये ठीक है कि वो constitution में लिखे गए हैं, constitution ने हमें दिए हैं, लेकिन वो हर वक्त absolute नहीं हो सकते, किन्हीं situations में उनको रोका भी जा सकता है। इट मीन्स दैट सम रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड अपॉन देम टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए। मान लो एक पर्सन का वो फंडामेंटल राइट है और दूसरे के लिए वो सेम नहीं है, ठीक है, तो अब जो है ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, क्योंकि स्टेट या गवर्नमेंट क्या देखती है कि जब फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो सब लोगों के लिए, अब जो एंटायर कम्युनिटी है उसके लिए वो रोंग है या उनके लिए वो ख़तरा पैदा हो रहा है एंटायर कम्युनिटी के लिए, तब ये राइट्स जो हैं रोक दिए जाते हैं। सर्टेन लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं? नेसेसरी हैं फॉर द मीनिंगफुल एंजॉयमेंट ऑफ दीज राइट्स,
कुछ लिमिटेशंस इसलिए लगाई गई हैं ताकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी इंजॉय इसको कर सकें। हाउ एवर दीज रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस शुड बी रीजनेबल। अब ये नहीं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी इस पावर को मिसयूज़ करें कि जब चाहे वो लोगों के जो हैं राइट्स वॉयलेट कर लें। नो, इसके पीछे लिमिटेशंस और जो रिस्ट्रिक्शंस है इसके पीछे भी उनके एक सॉलिड जो है रीज़न होने चाहिए ताकि जब उनको चेकआउट किया जाए तो वो रोंग ना उस मामले में। मोरालिटी, सवर्जिनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो तीन जो है ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक के भलाई के लिए मोरालिटी यानी कि ह्यूमनिटी इंसानियत, या सवर्जिनिटी यानी कि क्या होता बेटा, सवर्जिनिटी क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, या इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया यानी कि कंट्री या स्टेट की जो यूनिटी है, अखंडता है, अगर उसको कोई खतरा हो रहा है, ठीक है, तब ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट। हेयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज आर जस्टिफाइड। यहाँ कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जस्टिफाई कैसे हो सकता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं गवर्नमेंट ने, स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो जस्टिकेबल हैं, जस्टिफाइड हैं, भी सही हैं, उसको कैसे ठहराया जा सकता है। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। फर्स्ट है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। अभी आप हमारे सामने भी एक एग्जांपल है कि जो कोविड 19 है उसकी वजह से क्या लगा हुआ है, लॉकडाउन, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा अगर सब मूव करेंगे फ्रीली। तो यहाँ राइट टू फ्रीडम टू मूव एवरीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये जो राइट हमें मिला हुआ है ये जो है इसमें क्या हो गया, इसको रोक दिया गया है। तो हम इसको कहें अगर जाकर कोर्ट में कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम मूव वो जो है वो हमारे से छीन लिया गया है, तो ये गलत बात है, क्योंकि इससे सारी कम्युनिटी को खतरा पैदा हो रहा है अगर हम फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैनडेमिक है ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ही क्या होता है कि एक दूसरे से फैलना। तो ये जो डिसीज़ है ही ऐसी है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। फ्रीडम टू प्रैक्टाइज एनी प्रोफेशन डज नॉट मीन टू टेक अप गैम्बलिंग, स्मगलिंग, होर्डिंग और एनी अदर प्रोफेशन विच इज़ इंजूरियस और हजार्डियस टू द सोसाइटीज। इंजूरियस क्या था, जिससे कोई खतरा हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी हमें मिला है, किस राइट के अंदर मिला है, राइट टू फ्रीडम में, कि हम किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कहीं भी जाकर हम बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये वाले काम धंधे नहीं कर सकते कि हम गैम्बलिंग करने लग जाएं और कहें कि ये तो हमें फंडामेंटल राइट है। गैम्बलिंग क्या होता है, जुआ खेलना। स्मगलिंग क्या होता है, चोरी छुपे चीज़ों को बेचना। और होर्डिंग क्या होता है, स्टॉक करना। जैसे अब ऑक्सीजन की कमी, आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो लोगों ने क्या किया, जो ऑक्सीजन अवेलेबल थी उसको छुपा लिया, होर्डिंग कर लिया, उसका स्टॉक रख लिया, और उसको महंगे दामों पर, हाई प्राइस पर उसको बेच रहे हैं ताकि उनको बेनिफिट हो। तो ऐसे वाले काम नहीं हम कर सकते, इसकी कोई फ्रीडम नहीं हमें। और एनी अदर प्रोफेशंस विच इज़ इंजूरियस, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं कर सकते जो दूसरे के लिए खतरा हो या हजार्डियस, क्या होता है बेटा, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ऐसा सोसाइटी के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे। मान लो हम कहें कि हमने क्रैकर्स बनाने और बिना पास जो है किए उसको, ठीक है, कोई भी हम फैक्ट्री लगा लेते हैं और उसका लाइसेंस नहीं लेते, और वो क्या हो सकता है, किसी के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। जैसे ये LPG गैस होती है या जो दूसरी गैसेज हैं, तो उसमें कभी भी ब्लास्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये प्रोफेशन करना चाहते हैं या ये जो बिजनेस है शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उसकी सेफ्टी की चेकिंग होती है, तब जाकर परमिशन मिलती है बेटा। तो कोई भी व्यक्ति जो है प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन जो डेंजरस प्रोफेशंस हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। Nobody can claim to be a doctor or a lawyer unless she or he
हैज़ द असेंशियल क्वालिफिकेशंस। कोई भी डॉक्टर या जो वकील है, हम कह सकते हैं भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है, हम जॉब कर सकते हैं। तो जॉब के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम उस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं देन वी आर डॉक्टर और लायर और टीचर्स। तो कोई भी बिना क्वालिफिकेशन के क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने तो यही जॉब करनी है। तो उस जॉब के लिए कुछ जो लिमिटेशंस है उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, डज नॉट मीन टू स्पीक और राइट एनी थिंग यू फील लाइक। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमने कहा कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप बेवजह जो है किसी के लिए कुछ नहीं बोलोगे। ये फ्रीडम नहीं है कि आप किसी को भी उठो और अब्यूजिंग कर दो, नो। तो ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। और इससे क्या होता है, अगर हमें ऐसी भी आज़ादी मिल जाती है तो क्या होगा, डिस्टर्ब पब्लिक पीस और हारमोनी और इंस्टिगेट कम्युनल वायलेंस विल नॉट बी अलाउड। अगर हम किसी को भी उठें और उसको अब्यूजिंग करने लग जाएं या उससे फाइटिंग करने लग जाएं, वो कहेंगे हमें तो राइट है बेटा, नो। क्योंकि उससे क्या होगा, जो कम्युनिटी की या सोसाइटी की शांति है, भाईचारा है, सद्भावना है, वो सब भंग हो जाएगा और ये हमारे लिए बुरा होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दी हुए हैं तो साथ साथ में हमें ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे बेटा। गुड बाय।